नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ ए आर ओ की आंसर की जारी हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आंसर की बहुत ही पेचीदा तरीके से जारी की गई है, जिसे मिलाने में आपको घंटों जाएंगे, तो उसके पूरा प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। दूसरी बात ये कि आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ है वो क्या जाएगा और कब इसका रिजल्ट आने वाला है, तो एक एक पूरी प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कैसे आपको आंसर की चेक करना है ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत पेचीदा है, बहुत सारे बच्चे इसको लेके परेशान है कि कैसे चेक करें। तो मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ यहाँ पे, चीज़ों को लास्ट तक आप जरूर देखिए ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। और एक लास्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ही जो इसका आंसर की चेक कर सकते हैं उसकी लिंक दे दिया हूँ, साथ में ही एक सर्वे फॉर्म भी दे दिया हूँ ताकि आप अपना आंसर की मैच करने के बाद वो सर्वे फॉर्म फिल कर दें, ताकि जो सटीक कट ऑफ है हमेशा परीक्षा प्लस आपके लिए लेके आता है उस एनालिसिस के माध्यम से वो फिर से लेके आएगा और कट ऑफ एग्जैक्टली सही होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके करते हैं तो आपको ये बात पता होगी। खैर, आते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो ये आपके सामने मैं एक एक चीज़ ओपन करके रखता हूँ, जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में उसे आप एक बार ओपन करेंगे तो एनटीए की वेबसाइट है उस ओपन होगा, और ओपन होने के बाद आपके पास एक ऐसा विंडो खुल के आएगा जिसमें दो ऑप्शन मांगेंगे। बोल रहा है कि थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो, पहला है कि आप नंबर और पासवर्ड से, और दूसरा है कि नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से। कोई भी आप चूज कर लो, पासवर्ड नहीं याद है तो ज़्यादा बेटर है डेट ऑफ बर्थ से चूज कर लो, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ तो याद ही रहता है। जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा विंडो खुल के आएगा, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, जैसे कुछ भी डाल देते हो 2019-22 ऐसे करके कुछ भी सपोज करिए आप डालते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना चूज करते हो, जो आपका डे है, मंथ है, ईयर है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन में ये जो सिक्योरिटी पिन 40E574 लिखा है, इसे आपको कैपिटल में करना है। 4O लिखा है, ई लिखा है, है ना, 574 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे करोगे। उसके बाद साइन इन करोगे, तो साइन इन करने के बाद आपका ये पेज ओपन होके आएगा, जो आपका कैंडिडेट होम पेज होगा, है ना। आप यहाँ पे लिंक देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा कि जो आंसर की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और फॉर्म का, सर्वे फॉर्म का भी डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ऐसे आप ढूंढोगे तो मिल नहीं पाएगा, आप सरकारी रिजल्ट पे ढूंढोगे वहाँ पे अभी पब्लिश नहीं हुआ है, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पे देखोगे वहाँ मिलेगा नहीं, एनडीए की वेबसाइट से है, और इसलिए मैंने आपको लिंक डायरेक्ट दे दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो आएगा अगर आपने दोनों पेपर भरा था, रिव्यू ऑफिसर आरओ का भी दिया था, एआरओ का भी दिया था, तो दोनों आपके पास ओपन होके आएंगे, पहले आरओ बाद में एआरओ। अगर आपने कोई एक ही चूज किया तो वहां पे केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा, एआरओ, या आरओ दिया तो आरओ दिखेगा। ध्यान दीजिएगा ये आपका केवल रिस्पॉन्स शीट है, क्वेश्चन पेपर है ये दोनों, और जो नीचे दिया हुआ है ये चैलेंज आंसर की है, मतलब आपको आंसर की एक अलग टैब में खोलना पड़ेगा, और जो आपका रिस्पॉन्स शीट है वो अलग करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और जब आप इसे रिस्पॉन्स शीट खोलेंगे तो आपका रिस्पॉन्स शीट ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये आरओ का रिस्पॉन्स शीट है, ऐसे ही आपका एआरओ का, यहाँ पे देखिए एआरओ का रिस्पॉन्स शीट मैंने खोल के रखा है, ऐसे आप आरओ का भी खोल सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप दूसरे वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, दूसरे वाले सेक्शन कहने का मतलब इस पे चैलेंज आंसर की पे, तो आपका ऐसे आंसर की ओपन होके आएगा, ठीक है। अब समस्या शुरुआत होती है कि यहाँ से हमें शुरुआत करना है कि आखिर हम कैसे मैच करें। तो आप देख रहे हो ये आपकी रिस्पॉन्स शीट है, और आपका ये एआरओ जनरल अवेयरनेस 20 सितंबर का Shift 1S2, यानी Shift 1 का 20 दिसंबर का पेपर रहा है, जो स्टूडेंट का मेरे पास डिटेल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें क्वेश्चन आईडी के हिसाब से दिया है। ये आपको जनरली आप रिस्पॉन्स की होता है वहाँ पे, और क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 देता है, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आईडी दे रहा है, और ये क्वेश्चन आईडी कुछ नहीं, आप इधर देखोगे तो ये आपका सीरियल नंबर है, ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है रिव्यू ऑफिसर या एआरओ, इधर क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है। क्वेश्चन आईडी आरओ का 1 से 200 तक है, और अगर आप एआरओ का देखोगे तो वहां पे 247 से 466 तक समथिंग ऐसा गया हुआ है, ठीक है ना, 200 446 तक, 200 200 का दोनों क्वेश्चन था। अब आप यहां पे देखोगे तो ये क्वेश्चन आईडी दिया हुआ और इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन कैसे, वो ऑप्शन यही लिख दिया, यहाँ पे ऑप्शन आईडी आप देखो, एक तरफ क्वेश्चन आईडी दे रहा है, एक तरफ ऑप्शन आईडी दे रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ब्लू से मार्क कर रहा है कि जो स्टूडेंट ने आंसर दिया, आंसर गिवन, कौन सा आंसर गिवन है, मार्केट ऑप्शन आईडी 1041, मार्केट ऑप्शन आईडी 1041 कौन सा है, ये वाला है। तो ये पूरा एक ऑप्शन है, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे किया है, मतलब बच्चे ने, स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है वो मार्केट आईडी 1041 ABCD के फॉर्मेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला दिया है। अब आपको क्या करना है, अच्छा मैंने 1041 दिया है और ये क्वेश्चन आईडी कौन सी है, 260 पे आओ नीचे आप, अगर आप 260 पे आओगे यहाँ पे क्वेश्चन आईडी में, तो ये आपका 260 है, और आप चूज करो कि 260 पे ये 250, इसमें भी उल्टा सीधा, 250 के बाद सीधा, 246 के बाद 250, 250 के बाद 253 और
260 आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन आईडी 260 आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए, मुझे दिक्कत हो रही तो आपको जरूर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। 260 आप इस वाले कॉलम में आओगे तो यहाँ पे आपको 260 मिलेगा ये, और 260 में आप देखोगे कि इसका सही उत्तर क्या है, 1041। ये वाला जो कॉलम है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये आपका कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन आईडी का कर्सर है, और ये आपका किसका है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन का है। इसी से मतलब है, इधर जो दिया हुआ है ये क्लेम करने वाला दिया है। जैसे 260 का क्या दिया हुआ है, 1041, 1041 यहाँ पे भी है और आपका उत्तर भी 1041 है, केवल ऑप्शन आईडी यहाँ पे देखो, ठीक है। और अगर ये सही है, मार्केट 1041 वाला सही है, तो आप क्या करोगे, इसमें क्लेम नहीं करोगे। लेकिन आप दूसरे पे आओगे, सपोज करो कि ये क्या है, क्वेश्चन आईडी 259 है, और 259 आपने चूज किया है 1035, जो ऑप्शन आईडी है वो क्या है, 1035 है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन आईडी है, ये ऑप्शन था और ये ऑप्शन आईडी उसका बना दिए, तो 1035 ऑप्शन आईडी है और ये किसका है, 259 का है। तो 260 हम लोग यहाँ पे चेक किए थे, 259 ये है, इसका जो सही उत्तर होगा 1037 होगा। आपने क्या चूज किया है, 1035 चूज किया, इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन गलत है। तो आप अपने मार्क्स के आगे करोगे कि क्वेश्चन नंबर दो हमारा जो क्या है वो हमारा गलत था। ऐसे एक सही दो गलत, आप ट्रू और फॉल्स ऐसे करके या करेक्ट इनकरेक्ट करके आप नोट करते हुए चलोगे, बाद में काउंट कर लोगे, ऐसे करेगा पेचीदा है, समय जाएगा आंसर चेक करने में, आपको कंप्यूटर के माध्यम से दो टैब में खोल के करना पड़ेगा, तभी आपका ये सुइटेबल तरीका से हो पाएगा, वरना ये सुइटेबल तरीके से नहीं हो पाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलना। अब सपोज करो कि इन्होंने 1037 बोला है, आपका 1035 आ रहा है और आपको पता है 1035 ही सही है, इन केस मान के चलते हैं, तो आप क्लेम करोगे, क्या क्लेम करोगे कि भैया हमारा 1035 वाला सही है, और इससे नीचे आके क्या कर दोगे, सेव योर क्लेम्स करोगे, ठीक है ना, क्लेम कर दोगे, तो वो क्लेम में चला जाएगा कि हाँ इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझिएगा कि क्लेम आप क्वेश्चन का कैसे करते हुए चलोगे। तो ये थोड़ा पेचीदा है, ऐसे ही एआरओ का है, जब आप आरओ का ओपन करोगे तो आरओ का भी ऐसे ही होगा। मैं यहाँ पे एक बार आपको ओपन करके दिखा दूँ, अगर ओपन होता है तो ये आरओ का आंसर शीट खुल गया है। इसमें भी आप देखो क्वेश्चन आईडी 21 में, मतलब आप सबसे ऊपर आओगे यहाँ पे, क्वेश्चन आईडी 21 में करेक्ट आंसर 82 है और आपने क्या चूज़ किया, 83 चूज़ किया, मतलब ये गलत है। अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो 21 में आपको क्लेम करना है, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, आपका 83 आ रहा है और ये 82 बता रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि 83 सही है, 83 पे क्लिक करके सेव योर क्लेम नीचे आके आप कर दोगे, तो वो आप उसे क्लेम कर सकते हो, सेव योर क्लेम हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है आपके आंसर की चेक करने का, पेचीदा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा, ये बात समझिएगा। जो इसकी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, NTA की वेबसाइट से होगा, NTA.ac.in, लेकिन आप ज़्यादा भटकिए मत, डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप आंसर की चेक करिए। और सबसे बड़ी बात है, जो फॉर्म डाले गए हैं वो फॉर्म जरूर फिल करिए, ताकि बहुत सटीक कट ऑफ मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है शाम को एक सेशन लेके आए लाइव, नहीं होगा तो कल रात्रि के 8 बजे, ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा, कल रात्रि के 8 बजे इसका रिजल्ट हम लोग अनाउंस करेंगे, लाइव अनाउंस करेंगे सर्वे फॉर्म का, कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा, तो कट ऑफ की चर्चा कल हम लोग 8 बजे करेंगे, लाइव सेशन में करेंगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।